ठीक है, क्या क्या करते हैं? गेहूँ गेहूँ धान और गन्ना करते हैं। अच्छा, इस तीनों में सबसे ज्यादा फायदा किससे मिलता है आपको? विशेष फायदा तो गन्ना से मिलता है। गन्ना का पेमेंट कितना दिन में मिलता है? मिलता है तो 2 साल में मिलता है, साल भर में नहीं मिलता। तो 2 साल में आप इतना दिन का पूंजी कहाँ से लाते हैं? पूंजी अपना घर से लगाते हैं। कहाँ से, मतलब घर में क्या करके? जमीन बेचते हैं, कर्जा लेकर, किसी जिस समय हमको देना पड़ता है, यदि गन्ना को देना पड़ता है मिल में, इसके लिए ट्रैक्टर भाड़ा और यदि पेमेंट देना होता है लेबर को, वो अपना किसी से लेन देन करके देते हैं। और इसको तो सूद भी लेता है, 1.5 साल के बाद हम यदि हमको सूद भी लेता, सूद भी लेता होगा जो पैसा देता होगा आपको। बात सही है। और बाजार में जब बेचते जाते हैं तो कितना, कैसा फायदा मिलता है? अगर 1 एकड़ में आप धान किए तो उस धान से कितना फायदा होता है? धान से 2 मन 2 मन का कथा मिलता है, मतलब पैसा देता है। बनिया को अगर आपने बेच दिया तो बनिया को तो उस समय तो दे देता है, करंट में ही देता है। और उसमें बट्टा काट के देता, बट्टा काट कर देता है। कितना बट्टा काट देता है? बट्टा करता है मतलब इसे मन में है, सप्ताह पर अगर लेते हो ये मन लेता है, 42 किलो का मन लेता है। 42 किलो का मतलब, मतलब कहने का मतलब है कि 42 किलो अनाज को 40 किलो बनाते पैसा लेता है। और एक बार में पैसा दिया या उसमें भी बटा, अगर 7 दिन बाद दिया तो तब भी काटना है? काटना है, ठीक है। और उसके बाद अगर गन्ना करते हैं तो गन्ना का पेमेंट 2 साल 2.5 साल पर मिलता है। दो साल पिछले बार दिए थे जनवरी को, 9 जनवरी को, तो अभी आया है, मतलब ये है ये 8वां महीना चल रहा है, उसी में 8-9 तारीख को काम कर, मतलब समझिए कि कितना हुआ साल भर में हो जाता। तब क्या चाहते हैं कि आपको दो एकड़ जमीन करते हैं ना? हाँ, इसे 3 एकड़ जमीन है, लेकिन 2 एकड़ में करते हैं और तब बटैया लगाए हुए हैं। आपके पास आमदनी का तो बस यही है? नहीं, यही स्रोत है, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, बच्चे भी होंगे? हाँ, बच्चे हैं। वो लोग को भी पढ़ाते होंगे? हाँ, पढ़ाते हैं। कहाँ? सरकारी स्कूल? हाँ, सरकारी स्कूल में भी व्यवस्था वैसी नहीं रहती? व्यवस्था नहीं रहती, पढ़ाई लिखाई बच्चे को एकदम से नहीं रहती। अब क्या चाहते हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर किसान बने या कहीं नौकरी करे? किसान नहीं बने। अच्छा, तो अगर सब लोग यही चाहेंगे तो फिर नौकरी इसलिए जा रहे हैं कि उसमें आमदनी नहीं है, देश का पेट कौन चलाएगा? ठीक है, तो उतना जितना लागत उतना आमदनी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो आपको कहाँ लगता है कि कहाँ आपने लागत लगाया और कहाँ से आपको उसका रिटर्न नहीं आया, ये बताइए। जैसे मैं अभी मान गया कि खेती करना है, तो अगर यदि 1 कट्ठा को आपको 150 रुपया लगता है जुताई, 150-200 रुपया कट्ठा लगता है रुपाई, उसमें रुकता है तो इस समय रोकेगा तो अब 3 महीने आप मजदूर रखते हैं? मजदूर भी रखते हैं, रखते हैं, खुद भी करते हुए खुद भी करते हैं। अपना मजदूरी निकालते हैं क्या अपने खेत से? कैसे नहीं निकालेंगे, मतलब नहीं निकालेंगे, नहीं का मतलब जैसे आज अगर हमने 4 मजदूर रखे तो 4 मजदूर में एक आप भी मजदूर हुए, तो वो 300 रुपया आप जोड़ रहे हैं क्या अपने पूंजी में? नहीं जोड़ते होइएगा ना, वो तो नहीं जोड़ पाते हैं। तो उसको अगर जोड़ेंगे तो और घाटा होगा, और घाटा हुआ। हाँ, आप तो एक तरीके से मुफ्त में अपना काम करते हैं। अपना काम कर रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। तो आपको कहाँ से, आप क्या चाहते हैं खेती से, जिससे कि आपका काम चल सके? हम तो चाहते हैं जिस तरह मतलब धान चाहे गन्ना चाहे गेहूँ उपजावे और करेंट में पैसा दे और बेसी से बेसी पैसा दे, मतलब अब अभी है जो यदि पिछले साल पैक्स में बेचे हुए थे 1800 के कुंटल बिका हुआ था, ठीक ठीक, तो कुछ पैसा बुझाया। आ इधर यदि यदि सब गदीवार में सब यदि 1200 कुंटल मांग रहा था इस साल, तो धान आपका डूब गया है? हाँ, इस साल तो डूब गया, पिछले तो साल की धान कब लगाए थे ये बताइए हम किस साल? जैसे आपको पता है कि सीजन जो होता है धान का, धान का सीजन कब शुरू होता है, ये कोई जानकारी सरकार के तरफ से या और कोई संस्था देती है क्या कि आप इस अगर नीचे खेत है उसमें बड़ा वैरायटी लगाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो वो नहीं डूबेगा? वो नहीं डूबेगा, छोटा वैरायटी ऊंचे खेत में लगेगा तो वहाँ पर पानी का खर्च कम होगा। हाँ, कम होगा, तो
वो जल्दी निकलेगा, तो क्या इसकी जानकारी आपको कोई कंपनी देती है या कोई जिससे आप बीज खरीदने जाते हैं? जिस उतना नहीं दे पाता एग्जैक्टली. आपकी जो यहाँ इन्होंने जो खोला है अजीत जी ने भासर किसान उत्पादक समिति, इसी चीज का आपके दुर्दशा को दशा को ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए इन्होंने यहाँ किसानों का एक समूह बनाया है जो आपको समय पर आपको लोन भी करेगी, जिसके लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा, और ये आपके उत्पाद को उचित बाजार मुहैया करवाएंगे. किसी अपनी एक जो इनकी मार्केटिंग कंपनी है वो उसको अपने यहाँ से बेचेंगे. यही इनके कृषि उत्पादन समिति, ये आपको बताएंगे कि किस मौसम में किस तरह का बीज और किस तरह का खाद डालिए और क्या क्या करेंगे तो आपकी दशा सुधरेगी. आप जी जी. पता है कि पहले लोग पशुपालन करता था जी. अब क्यों नहीं करते हैं आप, ये बताइए. पशुपालन अब नहीं कर पाते हैं, वो पूंजी का कमी है, ठीक, इसी के कारण नहीं कर पाते. अच्छा. हाँ. बकरी पाले हुए, 3 बीघा जमीन है आपके पास, बकरी भी तो रख सकते थे. बकरी रखे हुए हैं, ये दो रखे हुए हैं. तो बकरी तो आपका बिक जाता होगा, उससे पैसा आता होगा. हाँ, आता है. अच्छा, तो बकरी आपके लिए गाय से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई तब? नहीं, गाय है मतलब आप, लेकिन नहीं, मतलब जल्दी अगर पैसा चाहिए. हाँ, तो गाय का तो ग्राहक मिलेगा नहीं? नहीं, बकरी का मिल जाता. बकरी का मिलता है. तो और गाय क्यों नहीं पालते हैं आप, जबकि 3 बीघा जमीन है? तो आप एक छोटी गाय तो रख सकते हैं, जिससे कि उसका आप भी खाएंगे, इतना मेहनत करते हैं. हाँ. और आपके बच्चे भी खाएंगे, बहुत उसमें कुछ आपको लगना नहीं है क्या? जी जी. उसको अगर रखने के लिए आपको लोन की कमी होती है. हाँ, पैसा की कमी. तो पैसा की कमी होती है तो आप जिसमें आप अपना शेयर लगा रहे हैं, जैसे आपको अगर 3 बीघा है तो आप 3000 ही लगाइए, 1500 ही लगाइए. उस 1500 के लिए जो आप लोन लेंगे वो सबके ऊपर में जाएगा जी. और वो 1500 जो आपका हिस्सा है, वो आपको अगर 15000 भी लोन चाहिए तो ये किसान उत्पादक समिति आपको देगी जी. और देने के बाद आपको आपका प्रोडक्ट बेच के, आपका उत्पाद बेच के, आपको पुनः आपका जो इनका जो पूंजी है, चूंकि पूंजी भी एक तरीके से आपका साथी होता है जी. पैसा जी, नहीं जी, होगा. हाँ. तो आपके आप कुछ नहीं कर पाएंगे. नहीं, तो एग्जैक्टली यही है कि वो पूंजी का आपसे उसका लाभांश किसान उत्पादक समिति भी रखेगी जी. और उसके उससे आप भी लाभान्वित होंगे. और ये चूंकि इसमें और भी फार्मर्स का पैसा है, जैसे 1500 आप हैं तो 1.5 लाख अजीत जी का भी है, तो सब लोग को आपस में मिल जाएगा. अब आपको समझ में आया कि ये क्या कह रहे थे? थैंक यू.